Today we are going to look at Of Ambition by Francis Bacon. Of Ambition ka matlab hai arzu par, umang par. Ambition is like choler, which is an humor that maketh men active, earnest, full of alacrity and stirring if it be not stopped. Arzu कॉलर की तरह है. कॉलर ऐसे मजाक को कहते हैं जिससे आपको गुस्सा आने के इम्कान हों. तो बेकन कहते हैं आरजू एक कॉलर की तरह है, जो एक ऐसे मजाक की तरह जो आपको या इंसान को चुस्त रखता है, फुर्तीला रखता है, पुरजोश रखता है, अगर उसे ना रोका जाए तो. बट इफ़ इट बी स्टॉप्ड, लेकिन अगर उसे रोका जाए, एंड कैन नॉट हैव हिज वे, इट बिकमेथ ए डस्ट एंड देयर बाय मेलन एंड वेनमस. और फिर अगर उसे रोका जाए और उसे अपना रास्ता ना मिल जाए तो वो खुश्क हो जाता है, जला बुना हो जाता है और तकलीफ़ दे और तलख हो जाता है. सो एम्बिशियस मैन इफ़ दे फाइंड द वे ओपन फॉर देयर राइजिंग एंड स्टिल गेट फॉरवर्ड, they are rather busy than dangerous. इसलिए अगर आरजूमंद लोग, अगर उन्हें अपना रास्ता कुशादा खुला मिल जाए, आगे बढ़ने दिया जाए उन्हें, तो वो ख़तरनाक नहीं होते बल्कि मसरूफ़ ज़्यादा रहते हैं. But if they be checked in their desires, they become secretly discontent. लेकिन अगर उनकी ख्वाहिशात पर नज़र रखी जाए, उनको चेक किया जाए, रोका जाए, टोका जाए, तो फिर वो नाखुश हो जाते हैं. लुक अपॉन मैन एंड मैटर्स विद एनी विलाई, फिर वो लोगों को और मामलात को बुरी निगाह से देखते हैं. एंड आर बेस्ट प्लीज व्हेन थिंग्स गो बैकवर्ड, और फिर उन्हें सुकून और ख़ुशी तभी मिलती है जब काम या जो मामलात हैं वो पीछे की तरफ जाते हैं, वो मसले हल नहीं होते, तभी उन्हें सुकून मिलता है और ख़ुशी मिलती है. विच इज़ द वर्स्ट प्रॉपर्टी इन अ सर्वेंट ऑफ अ प्रिंस और स्टेट, जो एक मुलाजिम में, शहजादे के मुलाजिम में या रियासत के मुलाजिम में एक बदतरीन सिफत है. देयरफॉर इट इज़ गुड फॉर प्रिंसेस इफ दे यूज़ एम्बिशियस मैन टू हैंडल इट सो एज दे बी स्टिल प्रोग्रेसिव एंड नॉट रिट्रोग्रेड. तो शहजादों के लिए अच्छा है कि वो जो आरजूमंद लोग हैं उनका इस्तेमाल करें उनको काबू में रखने के लिए, ताकि वो पीछे ना हटें और आगे की तरफ बढ़ते रहें. विच बिकॉज इट कैन नॉट बी विदाउट इनकन्वीनियंस, जो कि तकलीफ के बिना नहीं हो सकता, इट इज़ गुड नॉट टू यूज़ सच नेचर्स एट ऑल. सो इसलिए अच्छा है कि इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने से बेहतर है कि ऐसे फितरत वाले लोगों को इस्तेमाल ही ना किया जाए. फॉर इफ़ देयर राइज नॉट विद देयर सर्विस, दे विल टेक ऑर्डर टू मेक देयर सर्विस फॉल विद देम. क्योंकि अगर वो अपनी खिदमत के साथ आगे नहीं बढ़ते जाएंगे तो वो खिदमत को तो ख़ुद तो जाएंगे ही जाएंगे, फिर अपनी खिदमत को भी लेके जाएंगे और मतलब आपको बुरा करके जाएंगे वो. बट सिंस वी हैव सेट, क्योंकि अब हम कह चुके हैं, इट वर गुड नॉट टू यूज़ मैन ऑफ एम्बिशियस नेचर्स एक्सेप्ट इट बी अपॉन नेसेसिटी. अच्छा है कि आप आरजूमंद लोगों को इस्तेमाल ही ना करें. हाँ, तब करें जब ज़रूरत होती है. अब ज़ाहरी बात है, ज़रूरत के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो उस वक्त इस्तेमाल कर लें. इट इज़ फिट वी स्पीक इन व्हाट केसेस दे आर ऑफ नेसेसिटी, उस वक्त ठीक है. यह हम कहते हैं कि जब ज़रूरत होती है तब ठीक है. गुड कमांडर्स इन द वार्स मस्ट बी टेकन, जंगों में अच्छे कमांडर लेने चाहिए. बी दे नेवर सो एम्बिशियस, चाहे वो कभी इतने आरजूमंद, ख्वाहिशमंद, पुरमंग, पुरजोश ना हों. फॉर द यूज़ ऑफ देयर सर्विस डिस्पेंसर्स विद द रेस्ट एंड टू टेक, और क्योंकि उनका जो खिदमत है वो सिपाहियों पे निर्भर करता है, सिपाहियों पे डिपेंड करता है, ख़ुद उन्होंने कौन सा जाके लड़ना होता है. एंड टू टेक अ सोल्जर विदाउट एम्बिशन इज़ टू पुल ऑफ हिज स्पर्स, और
बिना आरजू वाले एक सिपाही को लेना ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा है कि आप उससे उसके हथियार उठा लें और फिर उससे कहें कि जाओ भाई जंग लड़ लो। तो हथियार के बिना वो जंग नहीं लड़ सकता। इसी तरह उसमें अगर एक उमंग नहीं होगी तो वो किसी काम का सिपाही नहीं कहलाएगा। देयर इज़ ऑल्सो ग्रेट यूज़ ऑफ एम्बिशियस मैन इन बींग स्क्रीन्स टू प्रिंसेस इन मैटर्स ऑफ डेंजर एंड इनवी। एक और बड़ा अच्छा काम है ऐसे आरजूमन और बड़े पुरजोश लोगों के लिए, वो आपके लिए एक आड़ का काम करते हैं, शहजादे के लिए एक आड़ का काम करते हैं मुश्किल और मुश्किल वक्त में, और जब लोग आपके ख़िलाफ़ हों, लोग आपसे हसद करें, तो ऐसे वक्त में आपके और उनके दरमियान एक पर्दे के मानिंद वो खड़े रह सकते हैं ऐसे आरजूमन लोग। क्यों? क्योंकि फॉर नो मैन विल टेक द पार्ट एक्सेप्ट ही बी लाइक अ सील डव दैट माउंट्स एंड माउंट्स बिकॉज ही कैन नॉट सी अबाउट हिम। क्योंकि वो काम उस वक़्त वो जगह अपने सर पर सारे जो बोझ है वो लेना और सारे इल्ज़ाम लेना, ये ऐसा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। क्योंकि वो जो आरजूमंद जो शख्स होता है वो एक ऐसे फाख्ते की तरह होता है जिसकी आप आंखें बंद कर दें और उसे कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है, और वो फिर उड़ता चला जाता है ऊपर की तरफ, उड़ता चला जाता है, उभरता चला जाता है। देर इज़ यूज ऑल्सो ऑफ एम्बिशियस मैन इन पुलिंग डाउन द ग्रेटनेस ऑफ एनी सब्जेक्ट दैट ओवरटॉप्स। एक और भी इस्तेमाल है एम्बिशियस लोगों का, वो ये है कि अगर कोई शख्स या कोई मसला कुछ ज़्यादा ऊपर चढ़ गया, कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ गया है, तो उसको नीचे लाने में, एज टाइबेरियस यूज्ड मार्को इन द पुलिंग डाउन ऑफ सजानस। जिस तरह टाइबेरियस ने मार्को का इस्तेमाल किया था सजानस को नीचे लाने के लिए, सिंस देयरफॉर दे मस्ट बी यूज्ड इन सच केसेस देयर रेस्टेड टू स्पीक हाउ दे आर टू बी ब्राइडल्ड। चलें, चूँकि हम बता चुके हैं कि ऐसे मामलात में उनका इस्तेमाल करना है, तो अब एक और बात आपको बताना है कि उनको फिर लगाम कैसे दिया जाए, कैसे उनको कंट्रोल में रखा जाए, दैट दे मे बी लेस डेंजरस, कि उनसे ख़तरा कम से कम हो। देर इज़ लेस डेंजर ऑफ देम इफ़ दे बी ऑफ मीन बर्थ। तो आप ऐसे लोगों को चुने जो जो नीच ज़ात के हैं, निचले ज़ात के हैं, इलीट क्लास के नहीं हैं, देन इफ़ दे बी नोबल, वो इलीट क्लास के ना हों, एंड इफ़ दे बी रादर हार्श ऑफ नेचर देन ग्रेशियस एंड पॉपुलर। वो कोई बड़े और मशहूर होने के बजाय सख्त जो मुश्किलात से गुज़र के उभरे हैं ऐसे लोगों को ले लें, एंड इफ़ दे बी रादर न्यू रेज्ड, और ऐसे लोग जो अभी अभी ऊपर आए हैं, देन ग्रोन कनिंग एंड फोर्टिफाइड इन देयर ग्रेटनेस, बजाय उन लोगों को जो बड़े हैं, बड़े तोंद वाले, जो बड़े लालची बन चुके हैं और पक चुके हैं अपनी जगह पर बैठकर, मतलब आदि हो चुके हैं इस चीज़ के, हर मक्कारी के, हर चीज़ में अपना फ़ायदा ढूंढने के, उनको लेने के बजाय आप ऐसे बंदे को ले लें, या तो वो गरीब निचले तबके का हो, या दूसरे ऑप्शन ये कि वो अगर उभरे हैं थोड़ा सा तो नए नए उभरे हैं, ऐसे लोगों को ले लें। इट इज़ काउंटेड बाय सम अ वीकनेस इन प्रिंसेस टू हैव फेवरेट्स। कुछ लोग इसे शहजादों की कमज़ोरी समझते हैं कि वो लोग अपने पसंदी कुछ लोगों को पसंद किया करें और कुछ लोगों को नापसंद किया करें, बट इट इज़ of all others the best remedy against ambitious great ones. लेकिन दूसरी जो remedies हैं, हल हैं, दवाई हैं, उनमें से ये एक अच्छी दवाई है उन आरजूमंद लोगों के खिलाफ। For when the way of pleasuring and displeasuring lies by the favorite, it is impossible any other should be over great. तो क्योंकि जब आपका खुशी, आपकी खुशी और आपके गम का जो इन्हिसार है वो एक बंदे पर होगा, जो आपका पसंदीदा शख्स है उस पर होगा, तो किसी दूसरे के लिए ये तकरीबन नामुमकिन है कि वो कुछ ज़्यादा बड़ा बन जाए और अपने आप को बहुत कुछ समझने लगे। अनदर मीन्स टू कर्ब देम, और उनको रोक, उनकी रोकथाम का जो दूसरा ज़रिया है, इज़ टू बैलेंस देम बाय अदर्स, वो ये है कि उनको दूसरों के साथ बराबर लाया जाए, एज प्राउड एज दे,
और वो भी इतने मुतकब्बिर हों जितना कि वो हों, ऐसे किसी के साथ उसको बराबर लाएं तो फिर वो ज़्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ख़तरे का बाइस नहीं बन सकते। बट देन देयर मस्ट बी सम मिडिल काउंसलर्स, फिर कुछ मुशीर आपके होने चाहिए, नासे होने चाहिए जो आपको मशवरा दे दे टू कीप थिंग्स स्टीडी, जो काम को बरकरार रखें, तसलसल में रखें और हमवार रखें, यानी ऊंच नीच ना होने दें। फॉर विदाउट दैट बैलस्ट, बैलस्ट कहते हैं कश्ती जो बड़ी जहाज़ होती है उसको मुतवाजन रखने के लिए थोड़ा वज़नी सामान होता है, उसे बैलस्ट कहते हैं। तो उस बैलस्ट के बिना द शिप विल रोल टू मच, फिर वो कश्ती वो जहाज़ आपके हाथ से निकल जाएगा, वो कुछ ज़्यादा आगे निकल जाएगा। एट द लीस्ट अ प्रिंस मे एनिमेट एंड इन्योर सम मीनर पर्सन्स टू बी एज इट वर स्कॉर्जिस टू एम्बिशियस मैन। कम अज़ कम एक शहज़ादे को कुछ कमीन लोगों को काम में लगा देना चाहिए। मतलब ऐसा ऐसा होता है कि कुछ बाज़ जो वज़रा होते हैं, बाज़ लोग वो चंद लोगों को हकारत की निगाह से देखते हैं। अब जिनको हकारत की निगाह से देख रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों को काम में लगा दिया जाए, थोड़ी सी तौकीर दी जाए, थोड़ी सी इज्जत दी जाए, तो ये उन जो आर एम्बिशियस लोग हैं उनके लिए सज़ा की तरह होगा ये। तो स्कॉर्जिस टू एम्बिशियस मैन कहा है कि ऐसे लोगों के लिए एक सज़ा की मानिंद होगा, वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि ऐसे छोटे लोग ऊपर आ रहे हैं। एज़ फॉर द हैविंग ऑफ देम obnoxious to ruin, if they be of fearful natures, it may do well, but if they be stout and daring, it may precipitate their designs and prove dangerous. अब वो जो उनका काबिले नफरत होना, नफ़रत की निगाह से लोगों को देखना, इफ़ दे बी आर फियरफुल नेचर, अगर वो ज़रा सा होता है लोग अंदर से घबराए घबराए से रहते हैं, खौफज़दा होते हैं, अगर इस तरह के इस मिजाज के हैं तो फिर ठीक है, कोई मसला नहीं है। मतलब आपने किसी निचली वाले बंदे, ऐसे बंदे को लाया जिसको वो हकारत की निगाह से देखता है, फिर वो अपनी पोजीशन बचाने के खौफ में अगर फिर रहा वो एम्बिशियस बंदा, तो फिर ठीक है, काम चल जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इफ़ दे बी स्टाउट एंड डेयरिंग, लेकिन अगर वो कुछ ज़्यादा मजबूत और बहादुर टाइप के हैं, तो इट मे प्रिसिपिटेट देयर डिज़ाइंस एंड प्रूव डेंजरस, फिर उनके जो कॉन्स्परेसी साजिशें सामने आएंगी, फिर आपके लिए मसला कर सकता है प्रिंस के लिए, वो ये लोग मसला पैदा कर सकते हैं। एज़ फॉर द पुलिंग ऑफ देम डाउन, इफ़ द अफेयर्स रिक्वायर इट एंड दैट इट मे नॉट बी डन विद सेफ्टी सडनली, द ओनली वे इज़ द इंटरचेंज कॉन्टिन्यूली ऑफ फेवर्स एंड डिसग्रेसेस। और अगर हालात ऐसे हो जाएं कि उनको जल्दी से नीचे लाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो फौरन ऐसा कर देना चाहिए, उनको नीचे लाना चाहिए। एंड दैट इट मे नॉट बी डन विद सेफ्टी सडनली, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो, उनको ना लाया जा सके एहतियात के साथ, महफूज तरीके से ख़ुद को मैं बचा कर, द ओनली वे इज़ द इंटरचेंज, फिर तब्दीली ही एक तरीका है, एक जरिया है, कॉन्टिन्यूली ऑफ फेवर्स एंड डिसग्रेसेस। कभी आप उस पर एहसान कर रहे हैं, कभी बेइज्जती कर रहे हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा, ये बार बार करें तो ये एक और हल है। वेयर बाय दे मे नॉट नो वट टू एक्सपेक्ट, ताकि उन्हें पता ना चले कि अब क्या किस क्या हो सकता है, कि बेइज्जती हो सकती है या कोई कुछ अच्छा होने वाला है, मतलब गैर मुतवक्को सी सिचुएशन क्रिएट करते रहे। एंड बी एज इट वर इन अ वुड, और ऐसा हो कि कोई किसी जंगल में हो। ऑफ एम्बिशंस इट इज़ लेस हार्मफुल, द एम्बिशन टू प्रिवेल इन ग्रेट थिंग्स देन दैट अदर
to appear in everything. और अगर आरज़ू की बात करें तो आरज़ू अगर कुछ बड़े चीज़ों में हैं, अज़ीम चीज़ों में हैं, तो फिर ठीक है. अगर लेकिन अगर यह आरज़ू हर चीज़ में सराहियत कर जाए फिर ठीक नहीं है. टू अपेयर इन एवरी थिंग फॉर देट ब्रीड्स कन्फ्यूजन एंड मार्स बिजनेस. तो अगर ये हर चीज़ में या हर बंदे में सराहियत कर जाए तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और फिर ये कोई अच्छा काम नहीं रह जाता, एक बुरा काम हो जाता है. बट येट इट इज़ लेस डेंजर टू हैव एन एम्बिशियस मैन स्टीयरिंग इन बिजनेस. ताहम फिर भी ये इतना ख़तरनाक नहीं है कि आप एक आरजूमन बंदे को काम में लगा दें. देन ग्रेट इंडिपेंडेंसेस ही that seeketh to be eminent amongst able men, वो बंदा जो बड़े बड़े लोगों में बड़ा होना चाहता है, मुमताज़ हैसियत रखना चाहता है, थोड़ा सा काबिल एहतराम होना चाहता है, hath a great task, उसका काम बहुत बड़ा है. ज़ाहरी बात है बड़े लोगों में आपने बड़ा होना है तो मतलब बड़े लोगों के दरमियान आपकी वक़ार हो, आप ऐसा चाहते हैं तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपका काम बड़ा है. But there is ever good for the public, लेकिन ये आवाम के लिए अच्छी बात है. But he, लेकिन वो, that plots to be the only figure among cipher, लेकिन वो जो अंधों में काना बनना चाहता है, कानों में राजा बनना चाहता है, नहीं, अंधों में काना राजा के मानन सिर्फ खुद ही सबसे बड़ा बनना चाहता है. वो ये चाहता है अगर कि उसकी इज्जत सबसे ज़्यादा हो. इज़ द डिके ऑफ अ होल एज, फिर वो पूरी नस्ल को तबाह कर सकता है, पूरे जो पब्लिक है उसको ख़राब कर सकता है. ऑनर हैज थ्री थिंग्स इन इट, इज़्ज़त के अंदर तीन चीज़ें हैं, द वांटेज ग्राउंड टू डू गुड, बर्तरी होनी चाहिए अच्छा करने के लिए, द अप्रोच टू किंग्स, और बादशाहों तक रसाई होनी चाहिए, एंड प्रिंसिपल पर्सन्स, और बादशाह और उनके वज़रा तक रसाई होनी चाहिए. ये दूसरी बात हो गई, यानी इज़्ज़त, मतलब इज़्ज़त के लिए बता रहे हैं कि इज़्ज़त किस तरह मिल सकती है आपको. तीन चीज़ें कि वांटेज ग्राउंड टू डू गुड, आपको फोकियत हासिल हो, आपको किंग्स एंड वज़रा तक रसाई हासिल हो, एंड द रेजिंग ऑफ अ मैंस ओन फॉर्चून्स, और अब आपकी अपनी दौलत को बढ़ाना, एक ये भी है, आप इज्जत पा सकते हैं इससे भी. ही दैट हैज द बेस्ट ऑफ दिस इंटेंशंस व्हेन ही एस्पायरेथ इज एन ऑनेस्ट मैन. हाँ, और जिस बंदे में इनमें से सबसे अच्छे इंटेंशंस होंगे, उसके इरादे सबसे अच्छे होंगे, नियत सबसे अच्छे होंगे, वो एक ईमानदार शख्स है. एंड दैट प्रिंस दैट कैन डिसर्न ऑफ दीज इंटेंशंस इन अनदर दैट एस्पायर्ड इज़ अ वाइज प्रिंस. और वो शहजादा जो ये इरादे किसी दूसरे शख्स में पा लेता है, मालूम कर लेता है, वो एक दाना शहजादा है. जनरली लेट प्रिंसेस एंड स्टेट्स चूज सच मैटर्स, आमतौर पर स्टेट्स ममलिकत और शहजादों को ख़ुद ऐसे उजरा चुनने दें, एज अ मोस्ट सेंसिबल ऑफ ड्यूटी देन ऑफ यूजिंग and such as love business rather upon conscience than upon bravery, and let them discern a busy nature from a willing mind. और ये काम आप शहजादों पर या ममलिकत पर छोड़ दें कि अच्छे बंदे चुनने हैं जो अच्छे काम करेंगे, जो उनके बिजनेस, उनके कारोबार, उनका जो भी काम है उनको संभालेंगे और मसरूफ़ रहेंगे, उनके ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो ये जो बंदे चुनने का काम है ये हम नहीं करते, ये बस उन पर छोड़ दें, जैसा वो करते हैं
उनका अपना फ़ायदा है।